नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि देश में तीसरी बार अगर उनकी सरकार बनी तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। फिलहाल $3 ट्रिलियन से ज्यादा की जीडीपी के साथ भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली ने भारत की रेटिंग बढ़ाई है, जबकि चीन की रेटिंग घटा दी गई है। फिच रेटिंग्स ने अमेरिका की सॉवरेन रेटिंग को AAA से घटाकर AA+ कर दिया है। जिस तरह से इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज अमेरिका और चीन की रेटिंग्स कम कर रही हैं और भारत पर भरोसा जता रही हैं, उससे तो लगता है कि पीएम मोदी की गारंटी के हिसाब से भारत को Top 3 इकोनॉमी में जाने से कोई नहीं रोक सकता। मॉर्गन स्टेनले ने भारत की रेटिंग को बढ़ाकर ओवरवेट कर दिया है, वहीं चीन और ताइवान को डाउनग्रेड करके उनकी रेटिंग को इक्वल वेट कर दिया गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया को और ज़्यादा डाउनग्रेड करते हुए अंडरवेट कर दिया गया है। लगे हाथ ही ये भी जान लिया जाए कि अंडरवेट, इक्वल वेट और ओवरवेट रेटिंग का क्या मतलब होता है। वैसे नाम से भी पता चल ही रहा है, फिर भी हम बता देते हैं कि ओवरवेट यानी देश का मार्केट दूसरे बाजारों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करेगा। इक्वल वेट का मतलब हुआ कि मार्केट का प्रदर्शन दूसरे बाजारों के आसपास रहेगा, जबकि अंडरवेट रेटिंग का सीधा मतलब है कि उस देश का मार्केट दूसरे बाजारों से नीचे और पीछे रहेगा। खबरों के मुताबिक 4 महीने पहले भारत की रेटिंग बढ़ाकर इक्वल वेट की गई थी, जिसे और बढ़ाकर अब ओवरवेट कर दिया गया है। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली को ये उम्मीद है कि भारतीय अर्थव्यवस्था भविष्य में भी इसी तरह बेहतर प्रदर्शन करेगी। चीन में मार्केट ग्रोथ और वैल्यूएशन के बारे में एजेंसी को कुछ फिक्र है। इसके अलावा चीन के स्टॉक मार्केट में तेजी का सिलसिला थोड़ा ठहरने लगा है। दूसरी ओर भारत का स्टॉक मार्केट फिलहाल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मॉर्गन स्टेनले ने अपनी रिपोर्ट में उम्मीद जताई है कि भारत की रेटिंग बढ़ने से इन्वेस्टर्स का भरोसा देश के प्रति बढ़ेगा, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का रास्ता साफ होगा और भारत में पिछले कुछ सालों में जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुए हैं उनका असर अब नजर आ रहा है। इसके अलावा S&P ग्लोबल रेटिंग्स के मुताबिक अगर भारत की इकोनॉमी अगले 7 साल तक 6.7% की रेट से बढ़ती रही तो साल 2031 तक $6.7 ट्रिलियन की हो जाएगी। तो आपका क्या ख्याल है, पीएम मोदी का भरोसा सही साबित होगा? अपने विचार कमेंट सेक्शन में रखें और सब्सक्राइब करें आज तक।